Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। आज आप सुनेंगे कहानीकार की कहानी अनीता आंटी। इस कहानी के लेखक हैं राहुल मित्रा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी अनीता आंटी। ब्रेड पकौड़ा यार, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें कैसे पता लग जाता यार। यू नो आई वॉज फीलिंग सो हंग्री। थैंक यू सर, मैंने ऐसे एक सुंदर घर का सपना देखा था जहां रहेंगे साथ रहेंगे। सर चाय बना रहे? सिद्धार्थ मेरा मग भी पूरा भर के देना। हाँ सिद्धार्थ कहाँ है मेरा ग्लास? ओए क्या हुआ, किचन पसंद नहीं आई? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, प्लीज कुछ खाने को ऑर्डर कर दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। स्मेल्स गुड। रिया विल यू हैव राइस? नो आई एम गोइंग फॉर शावर, यू कैरी ऑन। थैंक यू सो मच, वरना मैं तो भूख के मारे मर जाता। मॉम। हेलो। हाँ माँ। नहीं नहीं माँ मैं ठीक हूँ, आज सुबह ही नए घर में शिफ्ट किया है। हाँ फर्निश फ्लैट है, मैंने सोचा नहीं था इतने कम रेट में इतना ब्यूटीफुल फ्लैट मिलेगा, वो भी इतना सस्ता और पॉश एरिया में। एनीवेज माँ आप और पापा भी प्लानिंग कर लीजिए मुंबई आने की, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं माँ, बस अभी अभी खाना ऑर्डर किया है। हाँ बस खा ही रहा था। हाँ माँ बस आप लोग भी प्लानिंग कर लो। हाँ देख लो नेक्स्ट मंथ तक आ जाओ। हाँ माँ चलो माँ सुबह बात करते हैं, माँ मैं डिनर कर लेता हूँ। हाँ माँ। ओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। डिनर कर लिया? अरे दो मिनट में चट कर गए, बहुत भूख लगी थी ना। मैं भी खाना खा लेती हूँ और फिर ना हम नीचे जाके एक आइसक्रीम खा के आते हैं, सुबह की थकान मैं लेकर आती हूँ। हाँ वेलकम वेलकम टू आवर नवजीवन सोसाइटी। नमस्ते, मैं अनीता, अनीता आंटी। नीचे वाला फ्लैट हमारा ही है, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाई हूँ। लेकिन आंटी इन सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी इसीलिए तो लेके आई हूँ। कल फिर आऊंगी, पर सुन कल दरवाजा खोलने में इतना टाइम तो नहीं लगाएगी ना?
सॉरी आंटी, वो बात ये थी कि सारी बातें बोलने की नहीं होती, कुछ कुछ बातें समझने की भी होती हैं, है ना? चलती हूँ, है? अनीता आंटी आई होंगी, उन्होंने कहा था सिर्फ वो आएंगी, वो हमारी हेल्प करेंगी, सिर्फ वो हमारी हेल्प करेंगी। मैं देखती हूँ, उनको जरूर सब कुछ पता होगा। 7 बज गए, शाम हो गई। घर क्यों छोड़ोगे? वो माँ बेटी तुम्हें नुकसान पहुंचाने बिल्कुल नहीं आई बेटा, वो तो अपने आप ही बदनसीब थी। बिजनेस में घाटा पड़ा तो हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया, दोनों माँ बेटी बेचारी अकेली रह गई। किराए का मकान, किराया तो छोड़। नमस्ते। दोनों के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे, पर आत्मसम्मान की खातिर कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। लेकिन लेकिन क्या आंटी? एक दिन भूख ने दोनों की जान ले ली और इसीलिए उनकी आत्मा ऐसे भटकती रहती है। पर इसमें हमारी क्या गलती है? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? कुछ भी नहीं। लेकिन बेटा, अगर तुम उनकी कुछ हेल्प कर दोगे ना तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं समझा नहीं आंटी। रोज, बस रोज एक वक्त का खाना उनके लिए निकाल दिया करो, वो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। अब इतना सोचो मत, मैंने जैसा कहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। चलती हूँ। इतना काफी है ना? I don't know. Let's see, क्या होता है? That's it. Let's go. रिया, बट हम इसे रखेंगे कहाँ? आई मीन हॉल में, किचन में, या जहाँ वो कल बैठ के खाना खा रहे थे? अनीता आंटी ने ये तो सब बताया नहीं, उनसे जाके पूछ लेते एक बार, कोई गड़बड़ ना हो जाए। मेरे कजिन की शादी थी, हम सब टिकट कैंसिल ही करवाने वाले थे, पर अनीता दीदी ने कहा क्यों, मैं हूँ ना हरीश की बड़ी दीदी, रोज सुबह तरह तरह की नाश्ता भेजती थी मुझे, जब तक मैं ऑफिस से वापस नहीं आ जाता खाना लेके बैठी रहती थी। नमस्ते। नमस्ते। अनीता आंटी से मिलना था।
वो हम ऊपर वाले फ्लोर से आए थे, प्लीज उनको बुला दीजिए ना। प्लीज। कल उनकी 13वीं है। क्या? मॉम इज नो मोर। आंटी ने ठीक कहा था, दे नीडेड हेल्प। कितना अच्छा होता अगर ये हेल्प हम उनके जीते जी कर पाते। कहते हैं ना, डोंट सेंड फ्लावर्स व्हेन आई एम डेड, गिव मी फ्लावर्स व्हेन आई एम अलाइव। थैंक यू आंटी। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।